नमस्कार, amazon.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के धुलिया जिले की एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। और यह घटना साबित करती है कि आज भी महाराष्ट्र के गांवों में पीड़िताओं के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इस घटना का सारांश यह है कि 15 वर्ष की एक लड़की, जिसके माता पिता मजदूरी करने के लिए शहर में गए हुए थे और लड़की घर पर अकेली थी, उसी दौरान गांव की जो पंचायत थी, उस पंचायत के एक सदस्य के रिश्तेदार द्वारा 15 वर्ष की उस लड़की के साथ रेप किया गया। और रेप करने के बाद लगातार उसे धमकियां दी गई। रेप की यह घटना बार बार दोहराई गई और कुल मिलाकर इसी बीच जब माता पिता लौट कर आए तो पता चला कि लड़की को गर्भ ठहर गया है। इस पूरे मामले को लेकर जब माता पिता द्वारा पंचायत के सामने, जो गांव की ग्राम पंचायत थी जिसके सब लोग कर्ता धरता थे, उनके पास जाकर ये बात, पूरी बात बताई गई कि किस तरह से सुहाने नाम के एक व्यक्ति द्वारा, जो कि पंचायत के ही एक सदस्य का रिश्तेदार है, उसके द्वारा इस लड़की के साथ, जो नाबालिग लड़की है, उसके साथ रेप किया गया और उसे बिन ब्याही माँ बना दिया गया है। इस मामले में उन्होंने पंचायत से न्याय मांगने की कोशिश की। पंचायत बैठी और पंचायत ने एक ऐसा फरमान जारी किया जो बेहद शर्मनाक था। पंचायत ने यह फरमान जारी किया, उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा कि वे इस लड़की का गर्भ गिरा दें। अब कुल मिलाकर लड़की को जो गर्भ था वो 7 माह का था। किसी भी स्थिति में संभव नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, इसको कोई भी गोली खिलाकर गर्भ गिरा दिया जाए। माता पिता इसके लिए कतई तैयार नहीं थे क्योंकि लड़की की जान जाने का खतरा था। इसी बीच पंचायत का आदेश नहीं मानने पर उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया गया। गांव ने उस परिवार को हुक्का पानी बंद कर दिया। पंचायत ने उसे गांव से निकल जाने का आदेश तक दे दिया। कुल मिलाकर ये लोग धुलिया गए। धुलिया में जाकर उन्होंने बड़े पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। वहां उन्हें बड़े पुलिस अधिकारियों द्वारा थानेदार के पास भेजा गया। थानेदार ने कहा कि गांव का मामला है, किसी तरह से निपटा सुलटा कर समझौता कर लो। यानी यहां पर भी ग्राम पंचायत के पास पुलिस का शर्मनाक रोल सामने आया। पुलिस ने कुल मिलाकर ग्राम पंचायत के दबंगों का ही साथ दिया। और इस तरह से जब यह परिवार न्याय नहीं मिलने से हताश हो गया तो फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से इस परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर उच्चाधिकारियों तक, वहां के बड़े पुलिस अधिकारियों तक और राजनीतिज्ञों तक ये बात पहुंचाई। उनके हस्तक्षेप के बाद कुल मिलाकर यह मामला पूरा दर्ज किया गया। और अब पता यह चला है कि इसी बीच लड़की को जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे एक लड़की भी हुई है। लड़की को उसने जन्म दिया है, 15 वर्ष की लड़की ने, जिसे अभी यह पता नहीं है कि माँ बनना क्या होता है। बहरहाल सामाजिक कार्यकर्ता की पहल पर सुहाने नाम के व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, इस परिवार के सामने एक नया संकट फिर से शुरू हुआ। जब यह परिवार गांव में लौट कर आया तो इस परिवार का पानी बंद कर दिया गया, इस परिवार का आटा बंद कर दिया गया, यानी जिस चक्की से आटा पिसता था वो बंद कर दिया गया, जहां से पानी भरते थे वो पानी बंद कर दिया गया। और आए दिन इस परिवार को धमकियां दी जा रही है। तो ये है नरेंद्र मोदी के स्वतंत्र भारत की ये तस्वीर। और देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और उनके राज्य की ये तस्वीर है जिसमें यह पता चलता है कि पीड़ितों के साथ, जो असहाय हैं, जो निर्बल हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और ग्राम पंचायत के द्वारा किस तरह के आदेश सुनाए जा रहे हैं और पुलिस अंततः किनका साथ दे रही है। यह पूरा मामला अभी चल रहा है। सोचने वाली बात यही है कि क्या इस परिवार को अभी भी न्याय मिल पाएगा। आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए
घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।